सोलन में डायनेमिक इंडिया युवा मंडल की ओर से सोलन में हिमाचल उत्सव का आगाज देर शाम बारिश के बीच हुआ। बारिश के कारण सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर राजीव सैजल कार्यक्रम का आरंभ नहीं कर पाए। पहली संध्या धर्मशाला के अभिनव नाग एसजे डांसिंग जोन व इंदु बाला के नाम रही। इससे पहले दोपहर बाद बारिश रुकने पर डायनेमिक इंडिया युवा मंडल के संस्थापक सदस्यों ने पूजा अर्चना के साथ उत्सव की शुरुआत की। वहीं ठोडो मैदान में बरसात के कारण जगह जगह पानी खड़ा रहा, जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। युवक मंडल के सचिव मुकेश शर्मा ने बताया कि डॉक्टर राजीव सैजल का कार्यक्रम 25 सितंबर के लिए टाला गया है। मौसम के अनुसार ही सांस्कृतिक संध्याएं आयोजित की जाएंगी। उन्होंने कहा कि भारी बारिश के बावजूद भी लोगों का उत्साह देखने लायक था। आज से डायनामिक इंडिया युवा मंडल का 16वां हिमाचल उत्सव शुरू हुआ। बारिश हो रही है, बहुत ज्यादा हो रहा है, पर उसके बावजूद भी हमने पूजा अर्चना कर विधिवत रूप से आज इसका जो है शुभारंभ किया है। ये 16वां हिमाचल उत्सव 23 से 30 सितंबर तक ठोडो ग्राउंड में चलेगा। आज बारिश काफी हो रही थी, दोपहर बाद थोड़ी बारिश कम हुई, तो उसके बाद हमने पूजा अर्चना करी और भगवान को याद कर हमने कोशिश करी है कि हम जो है कुछ जो हमारे कलाकार आए हैं उनको हम जरूर मंच प्रदान करें। तो ये हम मतलब कुल मिलाकर प्रोग्राम आज हमारा हुआ है, वो उस लेवल का तो नहीं हुआ क्योंकि हमारे पास आज बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट आने थे और प्रदेश सरकार में माननीय मंत्री सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री डॉक्टर राजीव सैजल जी आज हमारे मुख्य अतिथि थे। तो हमने उनसे भी अनुरोध किया है क्योंकि बारिश है तो वो परसों हमारे बीच होंगे, बट उसके बावजूद भी क्योंकि डायनामिक का मतलब ही गतिशील होता है कि आप रुकते नहीं हैं, तो हमने वही प्रथा को तोड़ा नहीं और जितने भी लोग थे, जितने भी आर्टिस्ट यहाँ पर आए थे, उनको हमने परफॉर्म जरूर करवाया है।